छात्रों, आज हम कक्षा 11वीं में जो दूसरी वाली आपकी बुक है उसमें अध्याय 3 समानता, उसके पहले आपने पढ़ा स्वतंत्रता वाला लेसन पढ़ा, फिर राजनीतिक सिद्धांत वाला पढ़ा। तो स्वतंत्रता और समानता, तो स्वतंत्रता हमें समानता प्राप्त करने के लिए भी कई बार संघर्ष करना पड़ता है। स्वतंत्रता से समानता तो आती है, लेकिन समानता से ही हम अपना व्यक्तित्व का क्या कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं। ये जो समानता है ये एक बहुत ही मूलभूत अवधारणा है समानता की। हमें राजनीति क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, नैतिक क्षेत्र में, हर जगह हमें अपने समानता का ध्यान रखना पड़ता है। क्या समानता का मतलब व्यक्ति से हर स्थिति में एक समान बर्ताव करना है। समानता के लिए हमें कई आंदोलन भी हुए, समाजवाद, नारीवाद, उदारवाद जैसे कई आंदोलन समय समय पर ये होते रहे समानता को हासिल करने के लिए। तो स्वतंत्रता के सिद्धांत ने पहले हमने अपने देश को स्वतंत्र करवाया, उसके बाद जो सिद्धांत था स्वतंत्रता उसमें हमें समानता का सिद्धांत का ज्ञान करवाया। समानता के बिना स्वतंत्रता और लोकतंत्र दोनों ही निरर्थक है। निरर्थक मतलब जब तक समानता नहीं होगी तो लोकतंत्र का विकास नहीं हो सकता है और हम हर चीज में स्वतंत्र नहीं रह सकते हैं। समानता के लिए भी मानव हमेशा प्रयत्नशील रहा, तो आधुनिक लोकतंत्र की एक मांग है वो है समानता, और जिसे पूरी करने के लिए हमारे विश्व में बहुत से ऐसे आंदोलन हैं जो चलते रहे। समानता देखिए, कहीं कहीं के विद्यालय बहुत सुसज्जित हैं, वहाँ एसी की व्यवस्था है, सारी चीजें हैं, और कई विद्यालय ऐसे भी रहते हैं जहाँ पर कि ये मतलब है भवनहीन होते हैं, कुछ बाउंड्री नहीं है, उसमें शौचालय विहीन है। तो ये हम देखते हैं कि छात्रों में भी, बीच अपने विद्यालयों में भी असमानता उत्पन्न हो जाती है। तो जो समानता है वो व्यापक रूप से एक स्वीकृत आदर्श है और इसे संविधान और कानूनों में शामिल किया गया है, और हमारे चारों ओर समानता की बजाय हम असमानता ज्यादा नजर आती है। आप देखते हो ना, कहीं कहीं भोजन की बर्बादी होती है और कहीं कहीं आप इसका उल्टा देख लीजिए कि कहीं पर भुखमरी की क्या भी है समस्या है। तो व्यवहार में समानता और सिद्धांत के समानता में थोड़ा सा अंतर है। तो हम कुछ आंकड़े आपको बतलाएंगे कि किस प्रकार आप देखोगे कि अंतर पाया जाता है। तो दुनिया मतलब विश्व के ऐसे 50 सबसे अमीर व्यक्तियों की हम सूची क्या कर लें, शामिल कर लें, तो हम देखते हैं 40 करोड़ गरीब लोगों की सामूहिक आमदनी से क्या है, अधिक है, मतलब व्यक्ति, और ये आ रहा है 40 करोड़, इतना अंतर पाया जाता है। और भी कई ऐसे उदाहरण हैं जहां पर जैसे 40% गरीब जनसंख्या, दुनिया की कुल आमदनी में उनका केवल हिस्सा कितना है, 5%, और 10% अमीर लोग, उनका जो आमदनी का हिस्सा है वो है 54%। तो इस प्रकार ये कई आंकड़े दिए हुए हैं जिनसे हम दिखा सकते हैं कि कितनी असमानता है। आप यहाँ देखेंगे कि जो बहुत ही विकसित देश हैं, विकासशील नहीं, जो विकसित देश हैं, तो वहाँ की जनसंख्या के आधार पर हम यदि तुलना करते हैं तो वहाँ पर 3 गुना पानी, 10 गुना ऊर्जा, 13 गुना लोहा और इस्पात, ये सब चीजें ज्यादा मात्रा में पाई जाती हैं। औद्योगिक देश हैं। अब वो औद्योगिक देशों ने क्या किया कि वहाँ प्रदूषण होता है, तो उन्होंने क्या किया कि सारे उद्योगों को विकसित देशों से हटाकर विकासशील देशों में लगाया जा रहा है। विकासशील और विकसित मतलब जो अच्छी तरह से विकसित हो गए हैं, अच्छी तरह से संपन्न हैं, और विकासशील मतलब जो विकसित होने की राह पर चल रहे हैं। तो इस प्रकार अभी भी हमारे विश्व में
कई स्तरों पर क्या है असमानता पाई जाती है। एक और आंकड़ा आप देखिए यहाँ पर, जो 2001 की भारत की जो जनसंख्या की जो गणना हुई थी, तो आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर कि जो ग्रामीण परिवार है बिजली का कनेक्शन 44% है और शहरी परिवार में 88% है। नल के जो कनेक्शन है आप देखिए शहर में ज्यादा है और गांव में कम है। तो ऐसे कार ये वाहन का भी आप देख सकते हो, ग्रामीण परिवार में 1% तो शहरी परिवार में 6% है। तो ये समानता नहीं है। समानता का मतलब ये नहीं कि हम सबके साथ एक जैसा व्यवहार करें, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति के कार्य व्यापार और पद के रूप में उन्हें सम्मान व समान व्यवहार प्राप्त होना चाहिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो समानता है वो जन्म या सामाजिक परिस्थितियों पर आधारित नहीं होनी चाहिए। अब हम पढ़ेंगे समानता का अर्थ। समानता के अर्थ के लिए भी कई विद्वानों ने अलग-अलग अपना बताया। हॉब्स ने सभी मनुष्यों को प्राकृतिक रूप से क्या बताया, समान बताया। जो 1789 में जो फ्रांस की राज्य क्रांति हुई थी उसमें तीन बातें थी, तीन पॉइंट को जन्म दिया, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। और इस प्रकार जो 1789 में फ्रांस की जो राष्ट्रीय सभा है उन्होंने अपना जो मानव अधिकार का जो घोषणा पत्र बनाया उसमें मनुष्य स्वतंत्र और समान उत्पन्न हुए हैं और अपने अधिकारों के विषय में सदैव स्वतंत्र और समान रहते हैं। इस प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी स्वतंत्रता संबंधी एक घोषणा पत्र बनाया। तो इस प्रकार समानता को सभी देशों ने अपने संविधान में और अपने जो घोषणा पत्र है उस पर लागू किया। तो अब हम कुछ विद्वानों के यहाँ भी देखते हैं कि समानता की गलत धारणा। समानता का अर्थ ये है कि प्राकृतिक रूप से सभी मनुष्यों में शारीरिक और बौद्धिक योग्यता एक समान है, अतः समाज और राज्य को सभी मनुष्यों के मध्य समानता की स्थापना करनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, सभी समान सुरक्षा, समान वेतन, समान रूप में व्यवहार और समान मात्रा में संपत्ति की व्यवस्था की जानी चाहिए। परंतु मानवता समानता का अर्थ संबंधी यह धारणा बहुत ही गलत है, क्योंकि ईश्वर ने भी मनुष्य को रंग रूप शक्ति क्षमता बुद्धि विवेक स्वभाव से एक समान नहीं बनाया नया है। तो एक अप्पा दोराय एक विद्वान ने लिखा है कि सब व्यक्ति समान है, उतना ही भ्रमपूर्ण है जितना कि यह कहना है कि पृथ्वी समतल है, क्योंकि सबके पेशे भी अलग अलग होते हैं, उनकी वेतन व्यवस्था भी अलग अलग होती है। अब हम पढ़ेंगे समानता की वास्तविक धारणा। समान वास्तविक धारणा मतलब अवसर की समानता। आपने देखा जो प्रतियोगी जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उसमें अवसर की समानता दी जाती है। समानता का अर्थ है विशेष सुविधाओं का अभाव, मतलब कोई विशेष ज्यादा स्पेशल सुविधाएं नहीं देनी चाहिए, समान अवसरों की उनको क्या होनी चाहिए, उपलब्धि होनी चाहिए। और यह है कि सबकी प्राथमिक दैनिक जीवन की प्राथमिक और न्यूनतम आवश्यकताओं की क्या हो, पूर्ति हो। अब हम पढ़ेंगे तो इस प्रकार समानता हमारे दैनिक जीवन में हमारे देश के हित में बहुत आवश्यक है। अब हम समानता के कुछ प्रकार या रूप के बारे में पढ़ेंगे। जैसे नागरिक समानता मतलब ये हर नागरिक को राज्य की ओर से सुरक्षा, अपना संघ या समुदाय बनाने और विचार अभिव्यक्तियों की स्वतंत्रता, धर्म पालन करने की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। ये हमें अपने राज्य की ओर से प्राप्त होता है। किसी भी प्रकार का इनमें भेदभाव
नहीं किया जाता। दूसरा है सामाजिक समानता। सामाजिक मतलब है कि जाति, धर्म, संप्रदाय, वर्ण और संप्रदाय के आधार पर हम किसी को भी भेदभाव नहीं कर सकते हैं। प्रथा और अस्पृश्यता मतलब छुआछूत, ये सब भावनाएं सामाजिक कलंक हैं और इन्हें दूर करना चाहिए। हमारे जो दुकानें हैं, कुएं हैं, शिक्षण संस्थाएं हैं, मंदिर, मस्जिद, इसमें सभी को समान रूप से प्रवेश करने का अधिकार है। और यदि कोई छुआछूत या इस प्रकार का विरोध करता है, इस प्रकार की भावनाओं को शामिल करता है, तो वो दंडनीय माना जाता है। फिर है राजनैतिक समानता। राजनैतिक समानता, ये आपको हम पहले भी पढ़ा चुके हैं कि राजनीतिक अधिकार बिना भेदभाव के प्राप्त होने चाहिए और सभी को राज्यों के कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेने का अधिकार है। परंतु यदि उसमें कुछ आपराधिक प्रवृत्ति है तो फिर हम उनके आधार पर उनको हटा सकते हैं। तो राजनीतिक समानता में एक लोकतंत्र हमारा क्या बनता है? मजबूत बनता है। फिर है आर्थिक समानता। आर्थिक समानता मतलब इतनी समानता होनी चाहिए कि लोग अपने दैनिक जीवन की जो न्यूनतम आवश्यकताएं हैं उनको पूरा कर सकें। और इस प्रकार हम देखते हैं, ये देखिए, न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें और जो भी जितना परिश्रम करता है उसका फल मिले और उस पर किसी भी प्रकार का शोषण ना हो। चौथा ये हो गई राजनीतिक समानता। फिर है अवसर की समानता। समान वर्ग के लोग हैं तो उनको अपने विकास करने के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए, उन्नति के लिए बिना किसी भेदभाव के समान रूप से अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। हमारे संविधान में भी अवसर की समानता को विशेष महत्व दिया गया है। यहाँ पर हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं कि समानता के प्रकार बतलाइए। धन्यवाद।